किसी को गोली मारकर कहेंगे कि 10 लाख ले लो, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हमारे हाथ में खिलौना दे दिया गया। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो। उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% अगर कोई जेल में तो मुसलमान, कितनों को सजा होती है? सिर्फ 4 या 5% लोगों को सजा होती है। क्यों डाला जाता है जेल में? हाँ, अगर जेल में डालना है तो गोरखपुर में एक शख्स को होटल में गोली मार दी गई। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, बाबा गोरखपुर में गोली मार दी गई और आप सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट करेंगे? एक को गोली मार दी गई तो उससे कह रहे हैं उसकी हमारी बहन से जो विवाह हो चुकी है कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो। क्या किसी को गोली मारकर कहेंगे कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो तो कितने लोग तैयार होंगे? क्या इंसान की जान की कीमत 10 लाख हो सकती है? किसी पर कोई पत्नी अपने पति की जिंदगी को 10 लाख में कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकती। हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से कह रहे हैं कि आप की हुकूमत ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो। कि मजलिस पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि मजलिस लड़ती है तो मुसलमानों के वोट को डिवाइड करती है। हमने आपसे पूछा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? तो आप तमाम ने कहा कि नहीं दिया। क्या पार्लियामेंट के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार था, कैंडिडेट था? नहीं था। तो कैसे बीजेपी जीत गई यहां से? क्या पार्लियामेंट के चुनाव में, सांसद के चुनाव में बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा? तो फिर आखिर क्या वजह है कि 15 सीट जीत पाए सपा और बीएसपी वाले? हम तो मौजूद नहीं थे। तो मालूम हुआ कि मुसलमान तो वोट दिया सपा और बीएसपी को, झोली भर भर के दिया, मगर जो सपा और बीएसपी का जो हिंदू वोटर था, जो हमारा हिंदू भाई है, उसने कहा कि मोदी को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मुसलमानों को बहलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, बल्कि भारत के मुसलमानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हमारे हाथ में खिलौना दे दिया गया कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। हमारे वतन अजीज भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। ये हकीकत आपको समझना पड़ेगा। अगर समाजवादी हार गई, बीएसपी हार गई, तो जब हारते कहते मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हकीकत ये है कि उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया। इसीलिए हिम्मत नहीं है समाजवादी और बीएसपी के लोगों को, उनके नेताओं को, यह हकीकत को बयान कर सके। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।